Subscribe and hit the bell icon to never miss an update from eTimes TV. राखी जी, तो सबसे पहले तो बहुत सुंदर लग रहे हैं आप दोनों। क्या परफॉर्मेंस है आज का? जी, बिग बॉस फिनाले में हमारा दो तीन परफॉर्मेंस है और ये स्पेशल परफॉर्मेंस है मेरा और अनिल का। आज मेरे पति के डांस की तपस्या है और मैं तो इतने सालों से डांस कर रही हूँ और मेरे पेट में बटरफ्लाई हो रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं कि पहली बार मेरे हस्बैंड स्टेज पे जाके कैसा डांस करने वाले हैं। okay. वो भी एक्साइटेड है। वो कल से सोए भी नहीं है, कल से खाना भी नहीं खाया है, तो कैसा फील हो रहा है आपको? काफी एक्साइटेड हूँ मैं, देखते हैं अभी कैसा, अभी तक तो इनिशियल ट्रेनिंग ली है, अभी देखते हैं वहाँ पे कैसा परफॉर्म कर रहा हूँ। रितेश जी, राखी के कुछ बताएंगे कितने सुंदर लगे, कुछ कमेंट करेंगे उनके सुंदरता पे? राखी तो मेरे लिए तो मिस यूनिवर्स मिस वर्ल्ड यही है और आई थिंक राखी के बारे में तो सभी को पता है कि कैमरा के सामने और कैमरा के बाहर बहुत अच्छी दिखती है। और मोर प्रिसाइसली मैं बोलना चाहूँगा कि हमारे यहाँ एक कहावत है, सूरत से नहीं ज़्यादा सीरत से प्यार करते हैं, तो डेफिनेटली राखी की सूरत और सीरत दोनों अच्छी है। okay. मेरे चेहरे पे ज़्यादा खुशी नहीं है, ज़्यादा वो एक होना चाहिए वो नहीं, क्योंकि अंदर से मैं बहुत दुखी हूँ। बिकॉज बिग बॉस में मैंने इतना सारा एंटरटेन किया, लेकिन जो होता अच्छे के लिए होता है। मैं बिग बॉस को हमेशा प्यार करती हूँ, सलमान जी को प्यार करती हूँ, बिकॉज बिग बॉस हमेशा मुझे याद रखते हैं। नो मैटर, अब मैं कभी भी लाइफ में ट्रॉफी नहीं जीतूंगी और ना ही ट्रॉफी के लिए कभी लड़ूंगी। जब भी बिग बॉस में जाऊँगी सिर्फ एंटरटेन करने के लिए जाऊँगी और ना ही मैं बिग बॉस को एक बात कहना चाहती हूँ कि बिग बॉस वाइल्ड कार्ड जो है कभी नहीं जीते, तो आप मुझे अभी वाइल्ड कार्ड मत बुलाना, आप मुझे डे वन से बुलाना एंटरटेनमेंट। डे वन से फिनाले से पहले भी आप मुझे ऐसे भी निकाल देने वाले हो। पर लास्ट टाइम आप फिनाले तक पहुंच गए थे, इस बार ऐसा क्या हुआ जो आपको ये होना पड़ा? मुझे क्या पता, को कहते कि 20-25 जनता आई थी और उन्होंने वोट किया था। आपको कहीं से भी लगता है कि 20-25, आपको अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए, नहीं आपको लगता है कि 20-25 अगर बिग बॉस चला सकता है तो सिर्फ राखी? नहीं, मैं वो तो नहीं कहती कि बिग बॉस चला सकती है तो सिर्फ राखी, बिल्कुल नहीं चाह रही हूँ, मैं बिल्कुल नहीं कह सकती हूँ। बिग बॉस को राखी की जरूरत नहीं है, बिग बॉस को चलाने के लिए राखी सावंत या किसी की भी जरूरत नहीं है। बिग बॉस अपने आप में एक स्टार है, बिग बॉस स्टार मेकर है, तो मैं तो बिग बॉस की कायल हूँ, मैं एक एंटरटेनर हूँ। मैं बिग बॉस में इसीलिए बार बार जाती हूँ, मैं लोगों को कहना चाहती हूँ कि मेरा जो टैलेंट है ना अलग अलग टाइप का, वो बिग बॉस में ही दिखता है। मेरे और मेरे लिए और कोई रियलिटी शो बना नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मैं नच बलिए भी करूँ अपने पति के साथ। हाँ, मैं मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वही था। क्या नच बलिए में दिखने वाले आप दोनों? मुझे तो नहीं पता, हम लोगों को ऑफर तो आ रही है, बट रितेश जी आप क्या कहेंगे? मुझे थोड़ा डर लग रहा है, मेरा पति डांसर नहीं है। नहीं, डेफिनेटली अगर हमें चांस मिला नच बलिए में तो डेफिनेटली हम लोग जाएंगे एज अ पेयर। लोग पता नहीं, डांस का तो मैं कुछ नहीं कह पाऊंगी, बट अभी डांस का क्या, वही मैं बोल रहा हूँ ना कि कोई भी चीज के लिए डेडिकेशन होना चाहिए। अरे भाई, यही तो एक है, आप नहीं समझ पाओगे कभी, एंथुसियाज्म यही तो है। देशी जनता यही सोचे कि क्या राखी सावंत का हस्बैंड डांस कर सकता है। मैं ये कहना चाहती हूँ, इज ए नंबर वन बिजनेसमैन, बट ये मेरे कारण, और एक बिग बॉस के कंटेस्टेंट भी है, मेरे लिए इंडियन डांस कर रही है, ये सब बिग बॉस के कंटेस्टेंट, बिग बॉस 15 के कंटेस्टेंट है, इज नॉट माय हस्बैंड। हस्बैंड तो साइड में है, बट इज अ कंटेस्टेंट है ना, इसलिए वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो आज किसको सपोर्ट कर रहे हैं, क्या है परफॉर्मेंस है थोड़ा? मैं परफॉर्म कर रहा हूँ अभी, परफॉर्मेंस है मेरा और ऑब्वियसली चाहता हूँ कि शमिता जीते ये शो, बट मैं टॉप 3 में शमिता है और ऑब्वियसली करण भी है, और अभी जो मैं देखता हूँ जो शमिता करण एंड रश्मि पर आपके दोनों बेस्ट फ्रेंड है करण और शमिता, तो आप किसको देखना चाहेंगे विनर? आज शहनाज का जो प्रोमो कटा है, जो इमोशनल बहुत है, वो देखे आप कैसा लगा? मतलब बहुत अच्छा के लिए,
और शनाज कितनी प्यारी लग रही थी, मतलब अगर वेरी हैप्पी सिंगर थे, मतलब कुछ बस हैप्पी था कुछ भी हो रहा है उसके लिए, कि बहुत ज़रूरी था करने के लिए आई थिंक, वो बिग बॉस का कितना बड़ा हिस्सा था वो, और मुझे बहुत अच्छा लगा। आप कितना मिस करते थे? बहुत सीख बन था, मतलब आई जस्ट फील वेरी सैड कि उसका जो बिगिनिंग था इतना स्टार बन गया और भी बड़ा स्टार बन गया था। पर सेना से मिले थे आप अंदर तो सूरत की दुकान है, कुछ बात हुआ उनसे? बहुत बात नहीं हुई, हम शूटिंग कर रहे थे, बट आई विश ऑल द बेस्ट एंड माय लव एंड माय स्ट्रेंथ इज ऑलवेज विद हर, आई विश आगे जाके और भी काम करें।